गाइस कैसे वो हाइक सब बढ़िया होंगे ठीक ठाक। फाइनली गाइस आ चुके हैं मास महाराजा आयदेवगन के मैदान और राजकुमार राव की भाई श्रीकांत के कोने एपिसोड में वापस। तो मैदान का अभी छठा वीकेंड भाई स्टार्ट हो चुका है, जो कि बात करें यहाँ पे श्रीकांत की तो दूसरा वीकेंड है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सेकेंड हाफ फ्राइडे एंड दूसरी का भाई छठा फ्राइडे है। भाई देखेंगे भाई कितना नंबर है वो आ सकता है आज के दिन, और फ्राइडे है नए नए मूवीज आ रही हैं तो भाई शोज भी ड्रॉप होने ही वाले थे। भाई देखेंगे टोटल आपके इतने शोज काउंट है बोथ मूवी के पास। तो वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको क्या करना है भाई, डे वाइज एडवांस बुकिंग और डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो कर क्या रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट इस वीडियोज के लिए। तो सबसे पहले भाई श्रीकांत की बात ही कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि थर्सडे का 1.30-1.35 करोड़ के आसपास नेट फिगर है वो आ सकती है। व्हाट, अभी इवनिंग नेट की ऑक्युपेंसी बाकी है, अच्छा रहा तो थोड़ा हमें जंप ही देखने को मिल सकता है, वरना 1.30 के इर्द गिर्द आप पकड़ लो। एंड नंबर कितना आया सबसे पहले डे वाइज देखेंगे, 2.41 करोड़ पहले दिन, 4.26 दूसरे दिन, 5.28 भाई तीसरे दिन। वीकेंड थोड़ी शुरुआत यार खराब रही, 3 करोड़ के इर्द गिर्द आ सकता था डे नंबर वन में, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई बड़ी पिक्चर भी नहीं थी भाई ओपो साइड में, एंड शोज भी ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास थे। एंड मंडे 1.69 करोड़, एंड ट्यूजडे 1.48 करोड़, वेडनेसडे 1.49 करोड़, काफ़ी अच्छा होल्ड दिखाया। एंड थर्सडे की बात करें तो 1.43 करोड़ का भाई नेट बिजनेस किया है, जी हाँ 1.43 करोड़, मतलब कि जो मैंने बताया था उससे थोड़ा सा भाई ज़्यादा नंबर है वो निकाला है। एंड पहले 7 दिनों में जाएगा 18.04 करोड़ इंडिया नेट, और ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई मेकर्स डे वाइज पोस्टर दे रहे हैं, हाँ डे वाइज नेट ही रहे हैं, वर्ल्ड वाइड का नहीं दे रहे हैं। एंड 21.48 करोड़ जाएगा इंडिया ग्रॉस, 2.10 ओवरसीज, एंड 23.58 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड नंबर है। बट हाँ ये वर्ल्ड वाइड का एक एस्टीमेट है, मेकर्स फिगर नहीं दे रहे हैं, जो कि इंडिया नेट मैंने आपको बता ही दिया 18.04 करोड़। देखा जाए फर्स्ट हाफ वीक में ठीक ठाक बिजनेस किया है, अभी थोड़ी मंजिल दूर है, बट सेकेंड हाफ वीकेंड में अच्छा होल्ड दिखाया तो शायद ये मूवी एवरेज तक भाई जा सकती है, बिकॉज ऑफ आगे कोई बड़ी पिक्चर नहीं आ रही। अभी 2-3 वीक्स भाई मेरे भाई खाली खाली ही हैं, साउथ की मूवीज आ रही हैं 31st हाफ में ही, बट 31st हाफ में ये भाई अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। एंड आज की बात करें थोड़े शोज ग्राउंड देख लेते हैं, मुंबई में 430 से भाई 400 शोज हो चुके हैं, 30 शोज ड्रॉप हुए हैं। दिल्ली NCR 733 से भाई 560 शोज हो गए हैं, भाई यहाँ पे तो अच्छे खासे शोज का ड्रॉप हुए हैं। पुणे 157 से 127, बेंगलुरु 186 से 19 हो चुके हैं, हैदराबाद 133 से 95, कोलकाता 133 से 26, अहमदाबाद 340 से ऑलमोस्ट 250 हो चुके हैं। तो हर एक प्लेस में भाई शोज तो ड्रॉप हुए हैं, और ये होने थे भाई फ्राइडे आज। एंड नंबर्स कितना आ सकते हैं भाई, शोज तो ड्रॉप हुए हैं, व्हाट नंबर मेरे को भाई अच्छा खासा होल्ड दिख रहा है, समथिंग अराउंड 1.30-1.35 करोड़ के आसपास नेट फिगर है वो आ सकती है। अभी इवनिंग नाइट की ऑक्युपेंसी बाकी है मेरे दोस्त, और कल क्या है सैटरडे, एंड सैटरडे 50% मेरे भाई ऑफ डे रहता है, नाइट की ऑक्युपेंसी थोड़ी सी बेटर रही तो मामला 1.50 करोड़ के आसपास या फिर थोड़ा ज़्यादा भी टच अप हो सकता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। एंड फ्राइडे अगर 1.5 करोड़ आ जाता है, सैटरडे 2.60-2.70 करोड़ के आसपास चला जाता है, और संडे 3.20-3.30 करोड़ के आसपास, तो यार एवरेज तो है ही, हिट तक भी जा सकती है भाई ये मूवी। लेट्स सी गाइस अभी देखते हैं, और अच्छा खासा भाई वीकेंड में बिजनेस है वो निकालना होगा, अभी भी 3,000 से ज़्यादा शोज हैं भाई पूरे भारत में। तो ये है कुछ भाई श्रीकांत का नज़ारा, अब मूव करते हैं मैदान की ओर। यस्टरडे की बात करें डे नंबर 36, तो ऑलमोस्ट भाई 20 लाख का बिजनेस किया है, जय गाइस 20 लाख, ओ भाई लग रहा था कि मामला ड्रॉप हो सकता है, बट नहीं भाई 20 लाख अगेन। और पहले 36 दिनों में जाएगा 54.63 इंडिया नेट, 64.52 इंडिया ग्रॉस, 8.31 ओवरसीज, एंड 72.83 करोड़ भाई वर्ल्ड वाइड में, ऑलमोस्ट 73 करोड़ के बिल्कुल क्लोज है। तो अब मेकर्स भाई फिगर नहीं दे रहे हैं, अब देंगे नहीं देंगे कब देंगे अभी देखना दिलचस्प होगा, और हम भी भाई दिस संडे तक ही फिगर है वो देने वाले हैं, आगे भाई बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, एंड ऊपर से अभी शोज भी इतने नहीं बचे हैं। एंड आज शोज ग्राउंड की बात करें तो दिल्ली NCR में 84 थे यस्टरडे को, और आज है 68, नेक्स्ट मुंबई 53, और आज है भाई 30 शोज, केवल 30 शोज है।
एंड बेंगलुरु 12, और आज केवल 5 शोज़ हैं। पुणे ऑलमोस्ट 14 शोज़ हैं एंड यस्टरडे 22 थे, जो कि कोलकाता 37 एंड टुडे 27 है, यहाँ पे शोज़ हैं वो ड्रॉप हो गए हैं। एंड सूरत 34 और आज बाई 25 है। नेक्स्ट जयपुर 16 और आई 15 है। लखनऊ 23 और आज ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 शोज़ हैं। और हाँ, जयपुर राजमंदिर वाले शोज़ आज मैंने भाई सुबह देखा था, देख लो भाई चारों के चारों भाई फास्ट फीलिंग दिखा रहा था, एंड ये देख रहा अच्छा भी लगा। और जयपुर भाई काफ़ी अच्छा नंबर डिलीवर कर रहा है, स्पेशली फॉर राजमंदिर अभी के टाइम भाई अच्छे खासे शोज़ है, वो फास्ट फीलिंग जा रहे हैं, तब भी भाई ये नंबर निकल के सामने आ रहा है। नहीं तो भाई ये नंबर अभी के टाइम मुश्किल है। चेन्नई के अंदर एक भी शो नहीं है अभी के टाइम पे, जो कि इससे पहले थे, वो भी डेली फास्ट फीलिंग जा रहे थे, जो कि अभी के टाइम वो चार ही शोज़ थे, अभी चारों के चारों भाई छीन लिए गए हैं। एंड ये कुछ अहमदाबाद में 57 और आज 38 शोज़ हैं। एंड नंबर कितना आ सकता है भाई, आज मुझे कहीं ना कहीं 12 से लेके 15 लाख के आसपास दिख रहा है, 12 to 15 लाख के इर्द गिर्द। और आज इतना आ जाता है 15 लाख, सैटरडे शायद 30 लाख, इतना गाइस मेरे को उम्मीद है सिक्स ऑफ वीकेंड में। लेट्स सी, 50 लाख टच करना थोड़ा मुश्किल है। और हाँ, आज कहीं गलती से 20 लाख टच हो गया तो फिर 50 लाख संडे को आ सकता है। तो ये कुछ नज़ारा है भाई बोथ मूवी का आज फ्राइडे का। तो आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग और डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी जगह पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।